सीमेंट हो, ये वीर के स्कूल में सीमेंट मिक्सर में छुपा रहेगा। जब वीर वहाँ आए तो तुम इस रिमोट से सीमेंट मिक्सर चला देना और सीमेंटो बाहर आ जाएगा और सीमेंट फेंक फेंक के वीर को फ्रीज कर देगा। ये क्या कर रहे हो टिम्बक्टु? बॉस बॉस चेक कर रहा हूँ वहाँ काम करेगा कि नहीं, वरना आपकी बेइज्जती होगी ना बॉस। मियाओ बॉस, मियाओ। शुक्र है ये हीटिंग रेज वाला रिमोट मैंने बना के रखा था। एक सीमेंट मिक्सर तो यहाँ खड़ा है, ये दूसरा किसने मंगवाया? पता नहीं सर, मैं अभी पूछता हूँ। ए, ये सीमेंट मिक्सर किसने मंगवाया? ये मैं लाया हूँ आपके लिए एक तोहफा। इमली ये तो टिम्बक्टु है, अभी ये क्या लेकर आया है? तुम मुझे हर कॉम्पिटिशन के लिए मना कर देते हो, इस बार मैं नहीं मानूंगा। जिंटू, इस तरह हम नई गोकार्ट उस लड़के बंटी को देकर वीर को रेस में हरा के उल्लुओं के सरताज, जब गोकार्ट देना ही है तो वीर को रेस में हराने के लिए नहीं बल्कि वीर को रेस में खत्म करने के लिए दो। म्याओ, यू आर जीनियस बॉस। She is right, boss. मैं तुम्हें हथियारों से भरी हुई गोकार्ट दूंगा और उसे ये हेलमेट भी देना। इस हेलमेट को पहनते ही उस लड़के बंटी का दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, वो रोबोट जैसा बन जाएगा और फिर तुम वॉकी वॉकी में उससे जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। अब वीर का खेल खत्म और पैसा हजम। इस हेलमेट को पहन लो बंटी, इसे पहन के रेस करोगे तो फर्स्ट आओगे। ये जंटू भी ना अपनी ही मर्जी का करता है। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सबको इस ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं, पांचवा राउंड आखिरी राउंड होगा। ओके एवरीबॉडी, गोकार्ट पास हुई या सिर्फ हवा थी? तेज हवा है सर, गोकार्ट इतनी जल्दी कैसे राउंड लगा सकती है? वो देखिए, अभी तो हाफ राउंड भी खत्म नहीं हुआ। डेकर निकालो और वीर के टायर बस्ट कर दो। What?
होगा। बंटी, वीर को ग्राउंड से बाहर ले जाकर खत्म कर दो। गोकार्ट में लगे वेपन का इस्तेमाल करो। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कुछ तो खतरा है। चिंटू, चिंटू वो देखो कितने सारे चूहे। बचाओ वीर, वीर देखो चूहे, वीर बचाओ। ओफो, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चिंटू इन्हें खत्म कर दो। नहीं चिंटू, इन्हें मारो मत, ये चूहे हैं, खाने की तलाश में आए हैं, इन्हें सिर्फ बाहर फेंक दो। तुम्हें क्या डर रहे हो, वो तो सिर्फ चूहे ही हैं। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। वीर जग गया है, अब कोई फायदा नहीं, चूहों को वापस बुलाना होगा, फिर मौका देख के हमला करूंगा। चिंटू सब चूहे चले गए, अब डरो मत। कमाल है जिन्हों के डर रहे हो। जिन हूँ लेकिन बच्चा भी तो हूँ, मुझे भी तो डर लगता है। वीर क्या हुआ, ये शोर कैसा था? दादाजी पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए थे, लेकिन मैंने सबको बाहर भगा दिया। हाय वीर। हाय इमली। पता है कल रात ना जाने कहाँ से बहुत सारे चूहे मेरे रूम में आ गए थे। जिंटू का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था, वो हमारी मदद करने के बजाय टेबल पे चढ़ के थर थर कांप रहा था। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहाँ से? वीर बचाओ मुझे, हेल्प वीर। जिंटू बिल्ली बन जाओ, तुमसे डर के चूहे भाग जाएंगे। जरा वो तो देखो, पहली बिल्ली ऐसी होगी जो चूहों से डर के भाग रही है। ये चूहे नहीं है, ये रोबोट से और मेरे लिए आए हैं, मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। अरे बहुत अच्छी है, बैठ के देखता हूँ। टारगेट मैचिंग। गेम ऑन वीर। ये हो क्या रहा है? इमली, ये बाइक नहीं कोई रोबोट है, मैं इसमें मैग्नेट से चिपक गया हूँ, तुम लोग दूर रहना। चिंटू वीर को बचाओ, वो बाइक रोबोट है, वो वीर को पकड़ के ले गए हैं, जल्दी से जादू करो। मैं आज बिना जादू के ही वीर को बचा के दिखाऊंगा, मैं आज साबित कर दूंगा कि बिना जादू के मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। आज सुबह वीर को बचा के ही दिखाऊंगा। जिंटू, मैं दादाजी को फोन लगाती हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। Yeah!
वीर, तुम्हारी कोई भी लेजर बीम इस मैट बाइक को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये लेजर प्रूफ है। दादाजी, वीर, इमली ने मुझे फोन पे सब बता दिया है। वो बाइक ऑटो कंट्रोल में है या मैड मैक्स उसे कंट्रोल कर रहा है। उसे किसी तरह मैनुअल कंट्रोल में लाओ। ओके दादाजी। ओह नो, उन बच्चों को किसी तरह बचाना होगा। अब मैड बाइक बच्चों से टकराएगी तो वीर हर तरफ बदनाम हो जाएगा और वीर के साथ साथ रोबो बॉय का नाम भी खत्म हो जाएगा। बिल्ली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वीर, हेल्प वीर! ये गधा मेरी जिंदगी में कहां से आ गया? मैं इस गधे से ही नहीं जीत पा रही हूँ। वीर तो बहुत दूर की बात है। चलो जिंटू, आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, बहुत दिनों से गिल्ली डंडा नहीं खेला है। और कितनी मार खानी बाकी है? मैं गिल्ली लेकर आता हूँ। गधे से पीछा छुड़ा लूं, फिर वीर को देखूंगी। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। इतना बड़ा ढोल! बॉस, मैं हार गई। बॉस, बॉस, पहले उस गधे ने परेशान किया, फिर उस बड़े से डॉगी ने बहुत भगाया। बॉस, वीर के तो पास भी नहीं जा सकी मैं। हाँ, वीर को खत्म करना कितना मुश्किल है। ये क्या बॉस, तुमने दूसरी कैट रख ली, वो भी मेरे जैसी? ऐसा मत करो बॉस, टिम्बक्तु तो कई बार फेल हुआ है और आपने उसे नहीं हटाया। क्यों हटा रहे हो? ये बिल्ली नहीं, रोबोट है। जो काम तुम नहीं कर पाई, अब ये करेगी। अगर रोबो बॉय उससे नहीं लड़ पा रहा है तो हमारा क्या होगा?
रोबो बॉय, क्या हुआ? तुम ऐसे फ्लोट क्यों कर रहे हो? उड़ क्यों नहीं रहे? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजन ही गायब हो गया है। मैं एक बलून की तरह हल्का हो गया हूँ और मेरा जेट पैक, लेजर बीम सब खराब हो गए हैं। ना मैं उड़ सकता हूँ, ना ही लेजर फायर कर सकता हूँ। चुलबुल, तुम जिंटू को ढूंढो, मैं दादाजी को खबर देती हूँ। ओए, लाफिंग रोबोट, चलो हो जाए मुकाबला। देखते हैं कौन वीर को ज्यादा दूर फेंकता है। ओके, मुकाबला। टिम्बकटू, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। वीर, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो मेरा निशाना। चार सौ मीटर। अरे भाई साहब, ये छाता कितने का है? ये सब छाते फ्री हैं। जिसे लेना है फ्री में ले जा। मुफ्त, एकदम मुफ्त। एक फ्री छाते पर दूसरा छाता फ्री। पापा पापा, वो फ्री छाता दे रहे हैं, चलो ले लेते हैं। सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। मैं हूँ अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। मैं हूँ अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। रोबो बॉय, रोबो बॉय, हेल्प! ये सब क्या हो रहा है? जरूर इसे मैड मैक्स ने भेजा होगा। इमली चुलबुल, तुम लोग सामने मत आना, ठीक है? मैं अभी आया। और चिल्ला, वो आएगा, जरूर आएगा। रोबो बॉय सूट ऑन। कौन हो तुम? छोड़ दो इन्हें। रोबो बॉय, नाइस मीटिंग यू। तपती धूप, बरसता पानी, सबकी कर दू खत्म कहानी। क्योंकि मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। तुम्हें रोबो बॉय चाहिए? मैं आ गया हूँ। इनको छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। इनसे लड़ने के लिए इन्हें दूर ले जाना होगा, वरना औरों को लेजर बीम्स लग सकती हैं। चुलबुल को भी यहाँ बुला लेता हूँ, उसे बादलों पे घुमाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा। उसे यहाँ गाजर भी खिलाऊंगा। वाव, इतनी सारी गाजर, मजा आ गया। चुलबुल, नीचे सब मेरी बरसात का मजा ले रहे हैं ना? अगर इसे बता दिया नीचे क्या हो रहा है तो ये चला जाएगा और वीर की मदद करने की बजाय गड़बड़ ही करेगा। इसे यही रोक के रखना होगा और तब तक मजे से गाजर भी खाता रहूंगा मैं।